शास्त्रों के अनुसार हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने का विधान बताया गया है। सोमवार, ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन का संबंध चंद्र ग्रह से भी है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्रों को धारण करना अच्छा माना गया है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। इस दिन काले और चटकदार रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मंगलवार, ये दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन का स्वामी मंगल है। इस दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन चटक रंग के कपड़े न पहनने। बुधवार, ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन का स्वामी बुध ग्रह है। इस दिन ग्रीन कलर के कपड़े धारण किए जा सकते हैं। हरे रंग का इस्तेमाल करने से बुध प्रसन्न होते हैं और बौद्धिक क्षमता तेज होती है। गुरुवार, ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन आप केसर रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से बृहस्पति मजबूत होता है। शुक्रवार, ये दिन देवी लक्ष्मी और माता दुर्गा को समर्पित है। इस दिन का स्वामी शुक्र है। इस दिन सभी प्रकार के शेड ब्लैक, ब्लू और लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहने जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण करने से बचना चाहिए।